नमस्कार दोस्तों, मोदी को मोहन भागवत ने मंच पर ही जलील कर दिया। मोदी को मोहन भागवत ने मंच पर ही खड़ी खड़ी सुना दी। ऐसा सुनाया है कि कोई भी सुने तो वो शर्म से शर्मिंदा हो जाए कि आखिर ऐसा कैसे कहा जा सकता है, वो भी इस देश के प्रधान सेवक को, प्रधानमंत्री को। आप सभी को पता है दोस्तों कि बीजेपी और आरएसएस के बीच की दरार जो है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि बात को दबाने की बहुत कोशिश की जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जो मोहन भागवत ने बिना नाम लिए सुनाया है, जो धोया है, वो आप सुनकर खुद ही हैरान हो जाएंगे कि बीजेपी आरएसएस और बीजेपी के जो सहयोगी दल के नेता हैं, उनके जो अपने लोग हैं, वो आजकल कर क्या रहे हैं। हर कोई लामबंद होता हुआ नज़र आ रहा है, हर कोई अपनी अपनी लॉबी तैयार करता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो मोहन भागवत भी मंच से खुलकर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मंच पर से कहेंगे तभी तो आवाज़ यहाँ वहाँ पूरे देश, पूरी दुनिया में जाएगा। अब मैं यहाँ से बैठ करके अपने घर से कुछ भी कहूँगी आपको थोड़ा ना पता होगा। अब मैं खबर आपको बताऊँगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्या खबर बताई है। ठीक वैसे ही नेताओं के साथ होता है कि उनकी दिए गए बयान, उनकी दिए गई बातें जो है वो देश और दुनिया में पहुंचती है और उसके महत्व, उसका जो पकड़ है वो होता है। और ठीक ऐसा ही प्रधानमंत्री और मोहन भागवत के बीच की खाई दिखाई देनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा दोस्तों कि इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने खुद को बायोलॉजिकल नहीं बताया था। वो कह रहे थे कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, भगवान के भेजे हुए दूत है, भगवान ने उन्हें भेजा है इस धरती पर कोई मिशन के तहत। उसके बाद राहुल गांधी ने इस बात को पकड़ लिया और फिर जमकर किरकिरी जो है वो करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने यही कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। और जब बीजेपी के लोग उखड़ने लगे, भिड़ने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़े ना कहा है, ये तो आपके नेता ने कहा है, ये मेरे शब्द थोड़े ना है, ये आपके नेता के शब्द हैं। और ऐसा मोदी जी ने कहा है दोस्तों, ये नहीं है कि उनके वीडियो को कोई काट छाट करके निकाल लिया गया है। इंटरव्यू में गोदी चैनल्स के साथ उन्होंने ये बातें कही है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे भगवान का भेजा गया दूत समझिए आप, कोई मिशन के तहत भगवान ने मुझे इस धरती पर भेज दिया है। अब इस बात को लेकर मोहन भागवत ने जो धुलाई की है, जो बातें सुनाई हैं बिना नाम लिए, मैं आपको वो वीडियो और वो खबर सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मोहन भागवत ने क्या कहा है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसते हुए नज़र आए। पीटीआई के हवाले से खबर है दोस्तों, पीटीआई की वीडियो है। पीटीआई की इस वीडियो को कांग्रेस के कई नेताओं ने शेयर किया है, जिनमें सुप्रिया सिनेट भी हैं। उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि लोग पहले सुपरमैन, फिर अलौकिक, फिर देवता, फिर भगवान और फिर विश्व रूप बनने की इच्छा करते हैं। ये मोहन भागवत कह रहे हैं, लोग पहले सुपरमैन, फिर अलौकिक, फिर देवता, फिर भगवान और फिर विश्वरूप बनने की इच्छा करते हैं। संघ सुप्रीमो की ये बात सुनकर नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी क्यों परेशान है। अब सोचिए किस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी जी पर मोहन भागवत ये टिप्पणी करते हुए नज़र आए हैं कि पहले लोग अलौकिक बनने की कोशिश करते हैं, फिर देवता बनने की कोशिश करते हैं, फिर भगवान बनने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से जो है इन्होंने बिना नाम लिए ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर वार कर दिया। अब सोचिए मोहन भागवत ने ये क्या कह दिया। विपक्ष के नेता तो कह ही रहे थे, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को ज़ोरों शोरों से तो उठा ही लिया था, लेकिन अब मोहन भागवत भी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं, मोहन भागवत भी राहुल गांधी की तरह तंज कर रहे हैं। तो आप समझिए दोस्तों कि आरएसएस, जो बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी थी, अब वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत इस तरीके की बातें करते हुए नज़र आ रहे। मैंने इस आर्टिकल को खोजने की कोशिश की तो दोस्तों इंडिया टीवी रजत शर्मा वाला, उसने इस आर्टिकल को छापा है। देखिए क्या छापा है, वो भी मैं आपको दिखा दूं कि मोहन भागवत के बयान को लेकर इन्होंने क्या और किस तरीके से छापा है। इन्होंने छापा है कि आत्मविकास करते समय एक मनुष्य सुपरमैन बनना चाहता है, इसके बाद वो देवता और फिर भगवान बनना चाहता है। मोहन भागवत का ये बयान है। दरअसल दोस्तों मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि आत्मविकास करते समय एक मनुष्य
सुपरमैन बनना चाहता है, इसके बाद वो देवता और फिर भगवान बनना चाहता है और विश्व रूप का भी आकांक्षा रखता है, लेकिन वहाँ से आगे वो कुछ है भी क्या या कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि लोगों के में मनुष्य होने के बावजूद मानवीय गुण का अभाव होता है और उन्हें सबसे पहले अपने अंदर के गुण को विकसित करना चाहिए। गुमला में विकास भारती द्वारा आयोजित ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता बैठक की संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने ये तमाम बातें कही दोस्तों, कि कैसे भगवान बनने की कोशिश में लोग गलती कर जाते हैं, कैसे जो है भगवान का रूप मानने लग जाते हैं खुद को, लेकिन भगवान से बड़ा कोई हो नहीं सकता है और भगवान जब चाहे जिसको चाहे जहाँ चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, अर्श से फर्श पर ला सकते हैं, फर्श से अर्श पर पहुँचा सकते हैं। तो ये तो सही बात है दोस्तों कि ऊपर वाला कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर वाले ने अगर कुछ नवाजा है, कुर्सी दिया है, तो उस कुर्सी को जो काम करने मिला है, सेवा करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, उस पर आप काम कीजिए। आप ये उल जुलूल बातें जो बयान देते रहते हैं, उस बयान से सिर्फ और सिर्फ मजाक बनता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मजाक, बाकी और कुछ नहीं बनता है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही है कि कांग्रेस के ज़रिए कैसे बनाया गया, कैसे उनके बातों को, उनके बयानों को जो है पकड़ लिया गया और जमकर प्रचार के दौरान कहा गया कि देखिए और गोदी चैनल्स के एंकर जो हैं वो टोक भी नहीं रहे हैं, वो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो भी कहते हैं वाह 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 क्या बात कही आपने। सेम डिक्टो राहुल गांधी का भी ऐसा ही बयान है कि वाह वाह आपने क्या बातें कही है मोदी जी, आप तो मतलब भगवान के भेजे दूत हो, नॉन बायोलॉजिकल हो। अब मोदी जी को कौन समझाए कि मोदी जी अहंकार अच्छों अच्छों का टूटा है, तो आप किस खेत की मूली हैं, आपका भी अहंकार इस बार जनता ने देखे किस तरीके से तोड़ दिया है, ऐसा राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के ज़रिए बार बार कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, खाई कैसे बढ़ी हुई है ये आपको समझने की ज़रूरत है। बीजेपी और आरएसएस में दरार आ चुकी है, ये माने या ना माने, जब से जेपी नड्डा का बयान आया और उसके बाद मोहन भागवत ज़बरदस्त तरीके से बयान देते हुए नज़र आए हैं, और हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो मोहन भागवत गोरखपुर पहुँचे हुए थे और योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हुए थे। खबरें तो खूब हवा में उछाली गई कि इन दोनों की मुलाकात होने वाली है, बात होने वाली है, लेकिन देखिए ना इनकी मुलाकात हुई ना बात हुई। मैं ये खबर भी आपको दिखा देती हूँ कि उत्तर प्रदेश में नहीं मिल सके सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत, इस तरीके की खबरें जो है इंडिया टीवी के हवाले से छापी गई थी उस वक्त कि आज नहीं मिल पाए। अब देखिए क्या होता है, क्या मुलाकात होता है। तो आप समझिए कि कैसे बीजेपी आरएसएस जो है वो एक दूसरे को नहीं चाहती हुई नज़र आ रही है। इन लोगों का बैर, आपसी तनाव, आपसी रिश्तों में जो खटास आया है वो सब आपके सामने है कि कैसे मोहन भागवत बार बार मंच से आकर जो बयान दे रहे हैं वो बयान चुभने वाला बयान है, और ख़ासकर मोदी को ये बयान काफ़ी चुभ रहा है कि जिनके चेहरे पर चुनाव जीता जाता था, जिनका चेहरा चमकता हुआ दिखाई दिया जाता था, कैमरे में सिर्फ और सिर्फ वही चेहरा चमकता था, आज वो चेहरा किस तरीके से मुरझा गया है। हर कोई बगावत कर रहा है, हर कोई मुखालफत कर रहा है, हर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, ऐसे विश्वगुरु का क्या हाल होगा। बनने चले थे विश्वगुरु और देश के ही लोग, अपने सगे लोग, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बिना नाम लिए इस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो समझने वाली बात है दोस्तों कि अब बीजेपी वो पार्टी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। 2023 और 24 के मई तक ताकतवर थी, जून में तो रिज़ल्ट आया, उसके बाद फिर तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है। रिज़ल्ट आने के बाद एक से बढ़कर एक कमेंट, एक से बढ़कर एक बयान आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।